अस्सलामुअलैकुम, हम जाफर सर, हमारे स्कूल का नाम है जिला परिषद प्राइमरी स्कूल सुगांव उर्दू, तालुक अंबा जुगाई, जिला बीड। 100 दिन के पढ़ने की मुहिम का 13वां हफ्ता, हदफ ग्रुप 3, जमात शशुमता हश्तुम। सरगर्मी है अपनी जबान में कहानी पढ़ना या कहानी पढ़ो अपनी जबान में। तो आज हम ये लेने जा रहे हैं, इसे आप बगौर देखें और अपने अपने स्कूल में भी लेने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलसबा सरगर्मी का नाम है। अपनी जुबान में कहानी पढ़ना, तो हम शुरू करते हैं। कहानी का अनुमान है 4 साल का बूढ़ा। एक दिन ईरान का मशहूर बादशाह नौशेरवान कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिला, जिसे देखकर बादशाह ने पूछा, बूढ़े मियां तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? बूढ़े ने जवाब दिया, जहां पना की उम्र और दौलत ज्यादा हो, इस गुनहगार की उम्र सिर्फ 4 साल की है। नौशेरवान ने कहा, मैं ये बुढ़ापा और इतना झूठ, तुम्हारी उम्र 80 वर्ष से कम नहीं हो सकती। बूढ़े ने जवाब दिया, जहां पना हुजूर वाला का अंदाजा बहुत दुरुस्त और बिल्कुल सही है, मगर 80 में से 76 साल इस आदते ने यूं ही गंवा दिए, जिनमें सिर्फ अपना और बाल बच्चों का पेट पालना ही काम समझता रहा, इसके सिवा ना कोई नेकी कमाई, ना किसी गरीब की मदद की। अब 4 साल से अकल आई है कि हम लोग फक्त अपने लिए ही पैदा नहीं हुए, बल्कि दूसरों का भी हम पर कोई हक है, और अब इस पर अमल कर रहा हूँ, इसलिए असली उम्र सिर्फ 4 साल की समझता हूँ और गिनता हूँ बाकी फजूल। बूढ़े ने कैसी अच्छी बात कही, जब तक आदमी अपने काम को ना समझ ले, आदमियों में नहीं गिना जा सकता। अपने बुजुर्गी अकल पर है, उम्र पर नहीं, और सकावत दिल पर मौकूफ है, मालदारी पर नहीं। जो लोग इन बातों को पहले ही समझ ले, उनकी किसी बात से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचती, बल्कि वो हमेशा कमजोरों और गरीबों की मदद करके भलाइयां हासिल करते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।